हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि कल मैंने आप सभी को समझाया था कि बिहार में शिक्षक बनने के लिए आपके कितने नंबर होने चाहिए, कैसे कम जो मेरिट वाले हैं उनके भी बल्ले बल्ले, मतलब उनको भी मौका मिलेगा। तो आप सभी के बहुत सारे डाउट्स थे, सारे मैंने नोट किए हैं और आज मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाली हूँ कि कैसे कम मेरिट वाले भी बिहार में जो आने वाली वैकेंसी है उसमें बैठ सकते हैं, कितना नंबर होना चाहिए, कट ऑफ कितना होना चाहिए, आप खुद समझ जाएंगे। वीडियो के अंत तक पूरा वीडियो देखना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि गुणांक कैसे बनता है बिहार में, 60 और 40 का रेशियो है उसमें कैसे बनेगा, उसकी अलग से वीडियो आएगी, जैसे कि आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। वीडियो को प्लीज लाइक करें, तभी जाकर आपको सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। देखिए, आपका जो क्वेश्चन था कि बिहार में शिक्षक बनने के लिए सीटेट में कितना नंबर होना चाहिए, दूसरा था कि इस बार कट ऑफ ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। कुछ लोग तो जानबूझ कैसे कमेंट करते हैं कि तुम्हें कैसे पता इतना कम जाएगा, आपको जवाब मिल जाएगा अभी। सीटेट में जो है, स्पेशली अगर मैं बिहार की बात करूं तो ऑल ओवर इंडिया में कितने बच्चे बैठे थे, प्लस बिहार में कितने बच्चे जो पार्टिसिपेट किए थे सीटेट में और कितने बच्चे पास हुए वो भी बताने वाली हूं। पेपर वन पेपर टू सभी का कैटेगरी वाइज मैं कट ऑफ भी बताने वाली हूं, ठीक है, मतलब कितने नंबर पे आप पास हैं। अगर मैं पहले बात करूं बिहार में शिक्षक बनने के लिए सीटेट में कितना अंक होना चाहिए, तो उसके लिए आपको जानना होगा कि आखिर में कितने बच्चे जो है सीटेट का फॉर्म दिए थे, कितने बच्चे पास हुए हैं, वो सुनिए। तो अगर आप यहाँ पर स्क्रीन पर देखते जाएगा सो दैट आपको भरोसा हो, वो जो सीटेट.nic.in पर भी आप चेक कर सकते हैं कितने बच्चे पास हुए हैं, ये जानना हमारे लिए काफी जरूरी है। देखिए, सीटेट में पास कुल अभ्यर्थियों की संख्या, अगर मैं बात करूं पेपर वन का, मैं लगभग मैं बोल रही हूँ, यहाँ पर एग्जैक्ट नंबर देख सकते हो। पेपर वन की अगर मैं बात करूं तो 1 to 5 होता है, उसमें 17 लाख फॉर्म भरे गए थे और 14 लाख बच्चे जो है एग्जाम दिए, पास कितने हुए थे उसमें, तो वो सुनिए, काफी नंबर कम है, 5 लाख ही बच्चे पास हुए। पूरे भारत की बात कर रहे हो, आप सोचो 17 लाख फॉर्म पड़े, 14 लाख बच्चों ने पेपर दिया, 5 लाख जो है बच्चे पूरे भारत में, हर एक स्टेट के बच्चे बैठे ही थे, 5 लाख बच्चे पेपर वन में पास हुए। पेपर टू में नंबर और कम हो जाता है, 15 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, पेपर दिया 12 लाख बच्चों ने और 3,76,000 बच्चे जो है पेपर टू में पास हुए हैं। आप देख सकते हो नंबर, 5 लाख पेपर वन में, 3 लाख पेपर टू में। अब ये ओवरऑल इंडिया की बात हो रही है, ठीक है, बट बिहार में कितने बच्चे पास हुए, क्या वो ज्यादा है कम है, वो आपको बताने से पहले एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, आप में से बहुत से लोग कमेंट जरूर करना, ऐसे होंगे जिन्होंने इस बार पास तो थे, पिछली बार भी उन्होंने दोबारा से फॉर्म भरा है, क्यों, अपना नंबर बढ़ाने के लिए। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में जो मेरिट जो गुणांक बनेगा वो 60:40, मतलब 60 और 40 का गुणांक बनेगा, जिसमें 60 जो है वो सीटेट के नंबर के पे आधार होगा, मतलब उस पे आधारित होगा, और 40 आपका मेरिट। अब ये कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, वो मैं आपको डिटेल में दूसरी वीडियो में समझा दूंगी, बट सीटेट का वेट ज्यादा है। जैसा कि आपको पता है यूपी टेट में सुनने में आ रहा था कि यूपी टेट का 1/4 नंबर जुड़ा जाएगा, वैसे ही आप एक तरह से रिलेट करके समझ सकते हो। तो सीटेट का जो है बिहार में अगर मैं बोलूं तो 60 और आपका जो एकेडमिक है उसका 40, ठीक है। तो इस वजह से बहुत से बच्चों ने दोबारा से फॉर्म भरा था, इसमें आपके एस्टेट भी शामिल हैं, कुछ नए बच्चे भी शामिल हैं, इन सब चीजों को हमको ध्यान में रखना है, तभी जाकर आप असली में जान पाओगे कि आखिर में कट ऑफ क्यों जाएगा कम, क्यों 55% वाले बच्चों को भी इसमें मौका मिल सकता है। एक चीज बोलूंगी कि अभी मैं डोमिसाइल पर बात नहीं करने वाली हूं, अदर स्टेट को अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो आपका जो नियमावली आती है उसमें सब कुछ क्लियर हो जाता है, ठीक है। अभी हम अपने आप से तुक्का भी नहीं लगा सकते हैं, अगर मौका मिलता है तो आप सभी को फॉर्म जरूर भरना चाहिए, क्योंकि आपको पता है आप दूसरे स्टेट में जाओगे तो ऑब्वियसली बात है आप जनरल में काउंट होगे, एससी एसटी को छोड़ के, क्योंकि वो अपने स्टेट में भी 82 ही उनका रहता है, दूसरे में भी, ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। तो मैंने आपको बता दिया पेपर जो ओवरऑल पास हुए हैं। अब बिहार का मैं अगर आपको बताना चाहूं बिहार में कट ऑफ क्यों कम जाएगी, कितने बच्चे पास हुए हैं, आप यहां पर जरूर देखिएगा, केवल 7% ही बच्चे पास हुए हैं। पेपर वन पेपर टू दोनों का मैं आपको बता रही हूं, पेपर वन में जो है 4 लाख बच्चे भाग लिए थे, पेपर टू में 3 लाख, ठीक है, बिहार की बात कर रही हूँ। उसमें से पास कितने हुए पेपर वन में, 25,543, आप सोचो 25,000 बच्चे पास हुए हैं 4 लाख में से। पेपर टू में 3 लाख बच्चों ने भाग लिया था, उसमें 23,000, 3 लाख में से 23,000 की समथिंग पास हुए हैं। अगर टोटल देखा जाए, क्योंकि 1 to 8 का होता है, तो 49,000, मतलब 49,000 के आसपास पेपर वन पेपर टू दोनों में इतने पास हुए हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती आपकी कितनी है, 80,000, अगर उतनी सीट आ जाती है तो, वैसे 80,000 आएगी, चुनाव का समय पास में है। अब इस 49,000 में से आप बताइए, इस 49,000 में वो बच्चे थे जिन्होंने दोबारा से फॉर्म भरा था ताकि उनके नंबर अच्छे आए, कुछ बच्चे नए थे, कुछ बच्चे इसमें एस्टेट वाले भी थे और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो जस्ट अभी उन्होंने एडमिशन लिया होगा, क्योंकि सीटेट ने तो ऐसा बोल दिया है कि अब आप पहले दिन कॉलेज में गए हों फिर भी आपका सीटेट वैलिड होगा। आप ये ओवरऑल सोचिए, एस्टेट वाले 9 से 12 उसमें जाएंगे, ऑब्वियसली बात है कोई हायर एजुकेशन में ही टीचर बनना चाहेगा, कोई भी ये नहीं चाहेगा कि वो 1 to 5 में जो है वो जाए, चाहे 1 to 8 में, ठीक है, तो एस्टेट वाले उसमें चले जाएंगे 9वीं से लेकर 12वीं में। बचे ये
80,000 सीट की बात कर रही हूँ, और इसमें कुछ नए बच्चे भी होंगे, ठीक है। बट एक चीज़ है कि अगर जो ये सातवां चरण के जो शिक्षक बहाली है वो अगर जो नेक्स्ट सीटेड है उसके बाद आएगी तो कट ऑफ ऑब्वियस ही बात है बहुत ज़्यादा चली जाएगी, तो उसके पहले आना इसलिए भी जरूरी है, नहीं तो फिर नए बच्चे शामिल होंगे तो आपको ही पता है ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे कट ऑफ फिर से हाई चली जाएगी। वैसे अभी जैसा उनका बयान आ रहा है कि शिक्षक बहाली जल्द से जल्द कंप्लीट कराई जाएगी, तो मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी कि 80,000 सीट है, 49,000 जो है दोनों मिलाकर बच्चे पास हुए हैं, जिसमें से एस्टेट भी हैं, कुछ नए बच्चे भी हैं, तो आप खुद सोचिए कि क्या कट ऑफ कम नहीं जाएगी, क्या 55% वालों को मौका नहीं मिलेगा। 80,000 सीट में से कुछ बच्चे एस्टेट में चले जाएंगे, इतना तो आप समझ ही सकते हो। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो बिहार में आपको पता है जनरल अगर मेल है तो उनको 90 नंबर चाहिए, फीमेल जनरल से हैं बिहार की बात कर रही हूं 82 नंबर चाहिए, ओबीसी का सेम है जैसा कि सेंट्रल में होता है मेल फीमेल उनका 82 ही है, एससी एसटी पीडब्ल्यू इनका है 75 नंबर पे भी ये पास हैं, ये मैंने आपको बता दिया बिहार के लिए, ठीक है। अच्छा, आप में से कमेंट आता है कि हम लेकिन सेंट्रल के हिसाब से ओबीसी एससी एसटी सबका 82 नंबर होता है, तो सेंट्रल के हिसाब से ऑब्वियस बात है जो एससी एसटी हैं 75 वो फेल माने जाएंगे, बट आप बिहार में नहीं, वहाँ पे आप मार्कशीट के बेस पे भी आपका हो जाएगा शिक्षक बहाली में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसलिए डिटेल में समझाया है क्योंकि कल बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि इतना कम कैसे जा सकता है, क्योंकि देखिए आप चाहे कि पेपर सीटेड का हर बार होता है बट उसमें से मैक्सिमम लोग वो होते हैं जो पहले भी पेपर दे चुके होते हैं, कुछ नए बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे इसमें से ऐसे बाहर निकल जाएंगे क्योंकि उनका डिप्लोमा मतलब बीएड डीएलएड वो कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपको कंप्लीट चाहिए। अच्छा, मेरिट कैसे बनेगी वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, बट अभी मेरा मेन मोटिव ये था कि ओवरऑल इंडिया में इतने बच्चे बैठे थे और 7% केवल बिहार में पास हुए हैं, 80,000 प्राथमिक में भर्ती आने वाली है, 130,000 माध्यमिक उच्च माध्यमिक को तो मैंने अभी छोड़ दिया है, प्लस एस्टेट भी इसमें शामिल है, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है आपको मौका मिलेगा, बस एक चीज याद रखो शिक्षक बहाली बस जल्द से जल्द होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये जितना लेट होगा आपको ही पता है कंपटीशन बढ़ेगा, कट ऑफ भी बढ़ेगी, तो अगर ये नेक्स्ट सीटेड से पहले ही हो जाता है तब तो सभी का इसमें होना सभी का हो जाएगा। तो जिसे भी ये लगता है कि हमारा नहीं हो सकता है, मैं आपको एक बात बोलूंगी, अगर आप जो है बिहार में शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल हो तो आप वहाँ पे जरूर भाग लेना, वैसे भी कहीं नौकरी मिल नहीं रही है। अच्छा, दूसरे स्टेट का है क्योंकि इसमें बोले कि 100% जो है डोमिसाइल लगेगा, अभी इसमें कुछ कन्फर्म नहीं है क्योंकि अभी कुछ भी पता नहीं चला है कि लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। वैसे 10% का रेशियो रहता है कि उनको दूसरे स्टेट वालों को भी मौका दिया जाता है और वो जनरल कैटेगरी में फाइट करते हैं, बट देखते हैं इसमें क्या होता है। वैसे होगा तो आप सभी के लिए भी फायदा है, आप भी वहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हो, कोई एग्जाम नहीं होता है, आपका मेरिट बनता है, मेरिट कैसे बनेगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें सो दैट आपको बहाली जैसे ही आएगी आपको मेरे चैनल से तुरंत पता चलेगा। बहाली का मतलब होता है शिक्षक भर्ती, आप एक टीचर बन जाओगे अपने सीटेड और अपने एकेडमिक पे बेस्ड, जैसे कि DSSSB होता है, KVS होता है, सुपर टेट, वैसा इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।